देख रहे हो गाइस वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल का बटन बजाना मत भूलना। नमस्ते नारायण। मैंने और मेरे भाई ने मैचिंग किया है, किया नहीं था बट हो जाता है। हम कभी ऐसे ओवर नहीं करते बाकी लोगों के जैसे, बट हम सेम गलत हो जाते हैं। गलत बोल रहे हैं, पीछे बैठे ऐसे बोल रहे कि हाँ तू गलत, सही होगा मैं भी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप फोटोग्राफर आइए गाइस, उसके बाद मेरा सब काम निपटा हुआ क्योंकि मानसी तो शाम को डायरेक्ट आएगी ऑफिस से घर, तो पूरा काम शाम तक करेंगे, फिर रात को नवरात्रि में कहीं जाएंगे। मानसी आज लास्ट डे है ना ऑफिस के, फिर रोज जाना है। गरबा खेलने जाना आज, कल कल भी जाना है, तो आज तूने बोला था लास्ट डे। आज जो ऐसा ही जाना है, कल गरबा खेलने जाना। ठीक है, अकेले मजा आता है मेरे को तो। मानसी अभी जा रही ऑफिस। नवरात्रि के कारण मानसी का ऑफिस कभी कभार जाना रहता है, मतलब 3-4 दिन ही है, उसके बाद तो नहीं है। कल गई थी और आज थोड़ा सा काम नवरात्रि का होगा इसीलिए, और कल भी जाएगी गरबा के लिए, उसके बाद तो फिर वर्क फ्रॉम होम ही है ये कंपनी में। तो उसका अच्छा है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर ये कंपनी में रहेगी, तब तक वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। देखते हैं अभी मैं हेयर कट कराने जाऊंगा, लास्ट टाइम मैंने ट्रिप के पहले जो कराया था वहाँ पे अभी जा रहा हूँ उसके पास ही, बंदे के पास। कल मैंने बोला था उसको आऊंगा बट काम आ गया, फिर सो गया, तो हेयर कट कराना तो रह गया, तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ। उनके बाद 2-3 काम है वो कम्प्लीट करूँगा, फिर हेयर कट करके घर जाके 2-3 काम है कम्प्लीट करा के फिर देखते क्या करते क्या नहीं, क्योंकि 1-2 क्लाइंट मीटिंग है। अभी नवंबर दिसंबर आ रहा है तो वेडिंग का सीजन है, तो उनके रिलेटेड सब लोगों को मिलना है वो सब है, तो देखते हैं अभी तो क्या कैसे रहता है। गजब हेयर कट कराया, अभी तो ऑयल लगाया हुआ है बट बहुत अच्छे से, मतलब मेरे को ऐसा लगता है काफी बार ऐसा मेरे को फील होता है कि भाई बड़े बड़े सैलून में जाने से अच्छा नहीं, ऐसा अच्छा है सैलून में से, बड़ा मतलब मैं बहुत बड़ा जो सैलून होता है उसमें जाने से अच्छा जो नॉर्मल सैलून होता है वहां पे। आप मैंने अभी ऑयल डलवाया, काफी टाइम बाद जो नवरत्न का ऑयल आता है वो मैंने 2 साल बाद डलवाया, तो बहुत ही अच्छा और रिलैक्सिंग लगा। हेयर कट कराया, बियर्ड सेट कराया, सब मैंने सब कराया और बहुत अच्छे रेट पे, तो बहुत मजा आ गया। मैं 1-1.5 घंटा जितना हो गया अभी फिलहाल में, काफी टाइम से आया था बट बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो नेक्स्ट टाइम भी मैं सेम चीज कराऊंगा। मेन दिक्कत वो है कि घर का जो वॉशिंग मशीन है थोड़ा सा खराब हो गया है, काफी टाइम से चल रहा था, मतलब मैं जब अकेला 4 साल से मैंने लिया था, मैंने सेकंड हैंड ही लिया था, तब इतना बजट सब नहीं होता था तो लिया था, तो अभी तक वो वैसे ही चल रहा है, तो अच्छी बात है। बट बुरी बात वो है कि अभी वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिपेयर नहीं होगा, मेरे को नया ही लेना पड़ेगा, अभी जवाब दे देता है। एक साइड घूम रहा है, एक साइड नहीं घूम रहा है, मतलब दोनों साइड ही घूमना चाहिए। तो चालू होने बंद हो गया था, आज तो चालू तो हो रहा है बट कल तो चालू ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों क्या हुआ है समझ में नहीं आया, देखते हैं अभी। अभी थोड़ा सा काम करके फिर मेरे को 4 बजे जाना है, 4 बजे तक काम करते हैं, और खाने का देखते, मेरे को इतनी भूख नहीं है। और ये देखो व्यू देखो, यहाँ पे अभी धूप बहुत है, बारिश के टाइम बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से, बट अभी धूप ज़्यादा है तो भी अच्छा ही लग रहा है। और मेरी ये बालकनी में कबूतर ने यहाँ पे एग्स दिए, तो
बहुत अच्छा है विजन ने, मेरे सामने देख रहे हो, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके लिए मैंने यहाँ खाना भी रखा था, राइस भी रखा था, तो वो तो खा गया पूरा डब्बे में। यहाँ कोने में बैठा है वो, देख रहा है क्योंकि मेरा वीडियो ले रहे। कोई बात नहीं बेटा, तेको संभालने की जिम्मेदारी मेरी, जब तक तेरे बड़े बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं तेको संभालूंगा। देखो कैसे देख रहा है बेटा, कुछ नहीं करेंगे। देखो तो इसकी मैंने देखी, अकेला होता है ना तो भाग जाता है, बट अभी उसके एक से नीचे तो वो भागेगा नहीं, मतलब उसका उसका ध्यान रखेगा जहाँ अपने, जैसे मैं इस साइड से देखो, जैसे यहाँ से मैं देखता हूँ तो इस साइड देखेगा, जो साइड जाते उस साइड से देखता है ये भैया। और खाना भी इसके लिए अभी मैं रख देता हूँ तो खा लेगा ये। उसके लिए मैं खाना दे रहा था, डर गया तो मैंने खाना और पानी दोनों रख दिया है। तो राइस खाते है ऐसा मैंने सुना है, तो पता नहीं अब कल मैंने राइस ही रखे थे तो तू खा गया, यही खाया होगा। अभी देखते खा गया, अभी देखेगा अंदर, मेरे को देख रहा है कि गया कि नहीं। मेन चीज तो कि अपने को खाना मिल जाता है, उसको उसका ध्यान भी रखना है, खाना भी ढूंढना है। तो बहुत मैं लाइव देख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ काम करने बैठता हूँ यार, बाजू में ही यहाँ पे ही उसने और है, उस रहती है, तो मेरे को पता है कि वो टफ लाइफ है इसकी। मेरे को काफ़ी टाइम ऐसा लगता है इसकी बहुत टफ लाइफ है, तो मैं थोड़ा ध्यान दे के अपने से जो होता है वो करते। और अभी मैं खा रहा हूँ वेनिला फ्लेवर है इसका, बहुत अच्छा भी पहली बार मैंने ट्राई किया। लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं, वरना दशहरे का भी ऑफर आएगा तो उसमें नया ही परचेज करना पड़ेगा। फिलहाल तो लास्ट ट्राई चल रहा है, मशीन को हमारे साथ रहना कि नहीं है उसके ऊपर है, तो अभी देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। और मेरा बाल दाढ़ी वो सब सेट करवा दिया, थोड़ा सा छोटा करवाया कंपेयर टू मैंने लास्ट टाइम करवाया था, उससे थोड़ा थोड़ा छोटा ज़्यादा करवाया है। तो क्या गाइस, आज पूजा है तो पूजा के लिए हम जा रहे हैं, मैंने भी कुर्ता पहन लिया है। तो अभी नीरव के घर पे आरती हो गई, अभी जा रहे राम भाई के घर, वहाँ पे गरबा खेलेंगे थोड़ी देर, उसके बाद आ जाएंगे क्योंकि एक दोस्त का बर्थडे है तो जल्दी ही आ जाएंगे। नीरव वेट कर रहा है और रुचि है, ये देखो ये तीनों रेडी हो गए, ये रुचि है, ये रुचि रेडी हो गई है क्या, ये मितू है और ये मानसी है और मेरा भाई, मैंने और मेरे भाई ने मैचिंग किया है, किया नहीं था बट हो जाता है, हम कभी ऐसे और नहीं करते बाकी लोगों के जैसे, बट हम सेम हो जाते पीछे बैठे ऐसे बोल रहे की हाँ तू गलत सही होगा मैं भी। ये हमारे दोस्त हमको लेने के लिए आए है, ये देख रहे हो आप इसे, ये है राम भाई के साले।
ફોટોગ્રાફર આવી ગયા બે થોડી શાંતિ રાખી બે માનસી હર્ષ કેવું ફીલ થાય છે આટલા બધા રૂપિયા ઉડ્યા? હર્ષ કેવું ફીલ થાય છે આટલા બધા રૂપિયા ઉડ્યા? બોલી જ નથી શકતો આટલા પૈસા જોઈને. દેખ રહ્યો ગાઈસ વિડિયો, લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો ઓર બેલ કા બટન બજાના મત ભૂલના. तो गाइस मानसी को तो घर पे छोड़ दिया और बर्थडे सेलिब्रेशन करके नाश्ता वास्ता थोड़ा खा के निकले. फिर अभी चाय पीने जा रहे सब दोस्तों वहाँ पे, मेरे घर के पास ही सब लोग रहते हैं. तो अभी एक यहाँ जगह है तो वहाँ देखते हैं, खुला होगा तो सब चाय पीने जा रहे हैं वहाँ पे. तो मैं मानसी को और छोड़ के सबको छोड़ के और नीरे और डायरेक्ट आ रहे हैं और मैं मानसी को सबको छोड़ के घर जा रहे हैं वहाँ पे. देखते चाय वाला खुला होगा तो पियेंगे और नेक्स्ट मिलते हैं गाइज कल वाले व्लॉग में. थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना सपोर्ट किया और काफ़ी व्यूज आ रहे हैं अभी. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि यार इतने लोगों को वीडियोज पसंद आ रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. और काफ़ी लोग ऐसे जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए. और इतना सपोर्ट कीजिए तो मोटिवेशन मिलेगा वीडियोज़ बनाने का, सब चीज़ का. और थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू.